जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड भर्ती 2024। जी हां साथियों, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल में भर्ती निकली है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों ही पदों पर भर्ती है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम देंगे। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एज क्या है, योग्यता क्या है, वेतन क्या है, चयन कैसे मिलेगा, फॉर्म फीस क्या है, लास्ट डेट क्या है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, टोटल पद कितने हैं, संपूर्ण जानकारी देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी देते हैं। एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, परीक्षा कब होगी, सारी चीजें बताने वाले हैं, सब कुछ क्लियर करेंगे। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड भर्ती 2024, यूपी मेट्रो रेल लिमिटेड, जिसमें ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे भारत के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर आपकी योग्यता है तो। ठीक है साहब, स्टेशन कंट्रोलर के पद हैं, मेंटेनर के पद हैं, सहायक के पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के पद हैं, सारी चीजें हैं। पदों की संख्या 439 है, एक ही कम रहेगी, नहीं तो 440 ही हो जाता पूरा। हाँ, एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है, यानी कि परीक्षा कब होगी वो भी क्लियर हो गया है। ऑनलाइन आवेदन कब से है साथियों? 20 मार्च से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, हो जाएंगे 20 मार्च से, और 19 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि एक महीने भर का समय आपको मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी, और इसके जो एडमिट कार्ड आएंगे ना वो आ जाएंगे 30 अप्रैल को, यानी कि 10 दिन बाद ही तुम्हारे एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। 30 अप्रैल को एडमिट कार्ड आ जाएंगे साथियों तुम्हारे। अब इसमें सारी चीजें बताते हैं, एकदम क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो देखो, इस भर्ती में ट्रेनिंग की फीस भी आपसे ली जाएगी। अगर आप नौकरी लग जाते हो और आपकी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग की फीस भी देनी पड़ेगी आपको, और अगर आप इस नौकरी को छोड़ते हो तो इसमें बॉन्ड भी है साथियों, 3 लाख का बॉन्ड है और 1.5 लाख का बॉन्ड है। एग्जीक्यूटिव पदों पर 3 लाख का बॉन्ड है, नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर 1.5 लाख का बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या होता है? अरे बॉन्ड का मतलब ये होता है कि 3 साल तक आप कंटिन्यू नौकरी करोगे, अगर 3 साल से पहले आप नौकरी छोड़ते हो तो आपसे ये पैसे लिए जाते हैं। सब छुट्टी न लेंगे के, अरे छुट्टी तो लोगा, छुट्टी तो ले लो कोई बात ना, नौकरी नहीं छोड़नी है आपको। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो बढ़िया पोस्ट में लग जाते हैं, जैसे कोई लेक्चरर बन जाता है, कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या कोई दूसरी उसको जॉब मिल जाती है यूपीएससी आरपीएससी में बढ़िया तरीके से, है ना, यूपीपीएससी, तो उसकी वजह से फिर इस नौकरी को वो छोड़ देते हैं। तो इस वजह से ये जो निगम है ये तुमको 3 साल के लिए पाबंद कर रहा है कि 3 साल तक आपको काम करना ही पड़ेगा मेट्रो में। अगर आप 3 साल से पहले नौकरी छोड़ोगे तो हम आपसे पैसे लेंगे साहब, लिखत में स्टाम्प लेते हैं, ये वो होता है बॉन्ड। ठीक है, हाँ, वैसे तुम नोटिफिकेशन में ये पैसे देख के घबरा मत जाना कि साहब 3 लाख लेंगे क्या, 1.5 लाख लेंगे क्या, अरे ये बॉन्ड होता है दोस्त, बॉन्ड। नौकरी छोड़ने ही को ने अपने को, एक बार लाग गा तो बस लाग गा, क्यों छोड़ांगा। अगर छोड़ने की नौबत बढ़ती है, बड़ा कोई पद मिलता है तो फिर हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग की भी फीस लेंगे आपसे, वो भी हम चर्चा करेंगे। 1 लाख तक 94,000, 35,000, 23,000, इतने पैसे आपसे लेंगे ट्रेनिंग में भी। अच्छा, लेकिन आपको तनख्वाह भी तो मिलती रहेगी। देखो अब इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, पहले उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। इसमें 10वीं पास और आईटीआई यदि कोई है तो आराम से फॉर्म भर सकता है, ठीक है, और अगर कोई बीटेक है तो भी इसमें आराम से फॉर्म भर सकता है, बीकॉम वाला कोई है तो भी इसमें आराम से फॉर्म भर सकता है। अब फॉर्म कौन कौन नहीं भर सकते पहले ये चर्चा कर लेते हैं। स्पेशल 10वीं वाले, स्पेशल 12वीं वाले और स्नातक वाले, ठीक है, जो कि भाई बीए वगैरह हो, ये इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं साथियों बिल्कुल भी।
दसवीं बारहवीं और स्नातक में बीए वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, आपके काम की ये भर्ती नहीं है दोस्तों। आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं और अपना कीमती समय बचा सकते हैं, फालतू के लपड़े में ना पड़े, ठीक है, आपके काम की नहीं है भैया। जिसके काम की है वो देखो, अगर कोई दसवीं पास आईटीआई है तो आपके काम की है, बीकॉम है तो आपके काम की है, बी बीटेक आपने कर रखी है तो आपके काम की है। फिर हम इसकी पूरी चर्चा कर लेते हैं, देखो भाई। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है तो आप कमेंट भी कर देना, हम आपका जवाब दे देंगे। अगर आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमसे ऑडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं, मैसेज भेजकर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे साथियों, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो इसकी पूरी जानकारी लेते हैं, ट्रेनिंग फीस वगैरह क्या है, एग्जीक्यूटिव पदों में कौन कौन से पद शामिल हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव पदों में कौन कौन से पद शामिल हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव में असिस्टेंट मैनेजर, इसके 32 पद हैं साथियों, अलग अलग आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वो डाल दिया गया है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर के 32 पद हैं, जिसमें बी बीटेक में 60% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की और एससी एसटी की 50% यदि आपकी बनी है बी बीटेक में तो ही आप इसमें आवेदन कर पाओगे। 50,000 आपका वेतन रहेगा और बढ़ता रहेगा लाखों में, ठीक है साहब। इसमें आपको ट्रेनिंग के 94,000 रुपए देने पड़ेंगे, जैसे ही आप ट्रेनिंग में जाते हो तो ट्रेनिंग में आपको 94,000 रुपए देने पड़ेंगे, ये है ट्रेनिंग की फीस, ठीक है साहब। अब बात करें नॉन एग्जीक्यूटिव में जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के 132 पद हैं साथियों, अलग अलग दे रखे हैं, आप अपने हिसाब से पूरा नोटिफिकेशन देख लेना। इसमें क्या मांगा है, जूनियर इंजीनियर में 3 साल का डिप्लोमा, जिसमें भी 60% और एससी एसटी की 50% मांगी गई है, 33,000 आपका वेतन रहेगा, ठीक है। इसकी ट्रेनिंग में आपसे 35,000 रुपए लेंगे साथियों, इसकी ट्रेनिंग में आपके 35,000 रुपए लेंगे। अगला है स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रेन ऑपरेटर के 155 पद हैं दोस्तों, वही 3 साल का डिप्लोमा, 60% एससी एसटी की 50% होनी चाहिए, वही 33,000 वेतन है और वही तुम्हारे 35,000 रुपए लेंगे तुम्हारी ट्रेनिंग में, ठीक है साहब। अगला है अकाउंटेंट असिस्टेंट, खाता सहायक, इसके 16 पद हैं साथियों, बीकॉम मांगी गई है, बीकॉम में भी 60% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी की 50% बनी हो पूरम पट तो ही फॉर्म भरना, अन्यथा फॉर्म मत भरना। 25,000 आपका वेतन रहेगा और इसमें भी ट्रेनिंग के 35,000 ही आपसे लिया जाएगा पैसा, ठीक है जी। अगला पद है मेंटेनर, मेंटेनर के 104 पद हैं दोस्तों, जिसमें 10वीं पास और आईटीआई वाले फॉर्म भर सकते हैं, एनसीवीटी चाहे एससीवीटी, किसी भी साइड से आपने आईटीआई कर रखी हो, राज्य की हो चाहे नेशनल इंटरनेशनल कुछ भी हो, आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपकी 60% और एससी एसटी की 50% होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, दो ही ट्रेड है इसमें, या तो इलेक्ट्रीशियन से या फिर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। 19,500 वेतन रहेगा और इसमें भैया मेंटेनर में 23,000 रुपए तुमसे फीस ली जाएगी ट्रेनिंग में, 23,000 रुपया लिंग अब ट्रेनिंग में, ठीक है साहब। ये है इसकी जानकारी। अब बात करें एज की, 21 से 28 साल के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 18, 19 और 20 ये जो कैंडिडेट हैं ये भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे साथियों, ठीक है, बिल्कुल। 21-28 साल, एससी एसटी और ओबीसी को 5 साल की छूट और भी मिल गई है इसमें। अब देखो इसमें 33 साल के भी फॉर्म भर सकते हैं एससी एसटी और ओबीसी वाले, तो बिल्कुल ऑल इंडिया की महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म फीस कितनी है, 1180 रुपया जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, कितना लेगा, 1180 रुपया लेगा भाई पूरम पट, और एससी एसटी वालों से कितने लेंगे, 826 रुपए फॉर्म फीस रहेगी एससी एसटी की। चयन कैसे होगा, एग्जाम होगा भाई तुम्हारा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, 11 मई 12 मई 14 मई 3 दिन तक थारा एग्जाम चलेगा, 11 मई 12 मई 14 मई 2024। एडमिट कार्ड कब आऊंगा, 30 अप्रैल ने, एग्जाम कब से होगा, 11 मई से शुरू। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल मेरिट लिस्ट जारी, नौकरी का बॉन्ड मैंने समझाया दिया, 3 साल से पहले नौकरी छोड़ोगे तो भैया ये रहे तुम्हारे, देख लो एग्जीक्यूटिव में कौन सा पद है, ये रहा असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर अगर 3 साल से पहले नौकरी छोड़ता है तो 3 लाख रुपए लेंगे,
और अगर बाकी जो पद हैं इन पदों वाले अगर कोई 3 साल से पहले नौकरी छोड़ते हैं तो 1.5 लाख रुपया लेंगे। यह है नौकरी का बॉन्ड, जॉब बॉन्ड। ठीक है साथियों, यह है इसकी संपूर्ण जानकारी, नोटिफिकेशन की मैंने बताई दी। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहां नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो यह थी इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको क्लियर से समझा दी है सारी बातें। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।